नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्वाति। प्रदेश में बेमौसम बारिश का दौर जारी है। प्रदेश के कई जिलों में शुक्रवार को झमाझम बारिश हुई, जो कि मध्यरात्रि तक जारी रही। कुछ स्थानों पर ओले भी पड़े हैं, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। IMD के मुताबिक मौसम की यह प्रणाली आगे भी बरकरार रहेगी और कई स्थानों पर तेज हवाएं चलेंगी। राजधानी भोपाल समेत कई जिलों में वज्रपात की भी संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों को अलर्ट रहने को कहा है, विशेषकर उन लोगों को जो ग्रामीण इलाकों में खेत पर काम करने जाते हैं। राजधानी भोपाल में शुक्रवार दोपहर को मौसम ने करवट ली और जोरदार बारिश शुरू हुई है। यहाँ के कुछ स्थानों में ओले भी गिरे हैं और रात भर ठंडी हवाएं चलती रहीं। भोपाल में 3.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। सबसे अधिक बारिश खरगोन में दर्ज की गई है। इसके अलावा दमोह 5 मिलीमीटर, छतरपुर में 3 मिलीमीटर, रीवा में 2 मिलीमीटर और इंदौर में 0.8 मिलीमीटर, खंडवा में 1 मिलीमीटर, धार में 0.9 मिलीमीटर, गुना में 0.8 मिलीमीटर और सागर में 0.7 मिलीमीटर, ग्वालियर, सतना, उज्जैन और मंडला में भी बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार शनिवार को अधिकांश जगहों पर आसमान में बादल घिरे रहेंगे और गरज के साथ बारिश होने के आसार हैं। यहां 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। वहीं एक बार फिर राजधानी भोपाल को बेमौसम बारिश भिगाएगी। इसके अलावा श्योरपुर, कला, गुना, राजगढ़, ग्वालियर, सीहोर, शिवपुरी, छतरपुर और सिवनी जिले में बारिश के आसार हैं। एक तरफ जहां मध्य प्रदेश में तापमान 40 डिग्री को पार करने लगा था, वहीं बारिश के कारण न्यूनतम और अधिकतम दोनों तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। शनिवार को भोपाल में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। इंदौर में तापमान 20 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच, जबलपुर में 20 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच, ग्वालियर में 21 से 36 डिग्री के बीच और सतना में तापमान 22 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं।